यहाँ पे इस टाइम टेम्परेचर 6 डिग्री के आसपास है। इट्स स्नोफॉल। वैसे भाई हम बैठे कहाँ हैं? भाई हम बैठे चौकड़ी में। रजाई में। रजाई में? रजाई की चौकड़ी। चौकड़ी। कोई दिक्कत? बता दो आपको। गुड मॉर्निंग गाइस, हम लोग चेकआउट कर चुके हैं, रेलवे स्टेशन की तरफ हम लोग जा रहे हैं। 7:30 बजे हम लोग निकले हैं और पैदल जा रहे हैं, इसलिए हम जल्दी निकले थे थोड़ा, और टिकट वगैरह भी हमको लेनी है। गाइस हमें ट्रेन मिल गई है, हम लोगों ने अपना लगेज वगैरह रख दिया है इसके अंदर। हमने जो है उधमपुर के लिए जनरल लिया है। अभी तो फिलहाल 8:40 पे ट्रेन चलेगी, अभी फिलहाल तो 8:25 हो रहे हैं, तो अभी तो टाइम है हमारे पास। पहले खाना पीना करेंगे, खाने पीने के बाद फिर वहाँ से भाई 11 बजे के आसपास की बस है। बनिहाल में हमने पहले तो ये सोचा था कि बनिहाल में खाना पीना कर लेंगे, लेकिन भाई बता रहे हैं कि बनिहाल में जो है खाने पीने का इतना कुछ है नहीं, बस स्टेशन वगैरह है, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, तो यहीं से खा के चलो। वहाँ बनिहाल पहुँचेंगे, वहाँ से सीधी ट्रेन मिलेगी हमें श्रीनगर के लिए। मतलब पूरा दिन आज हमारा ट्रेवलिंग में जाने वाला है, बस वहाँ रूम लेना है श्रीनगर में जाके और सीधा बस सोना है, और जो भी होगा फिर कल होगा। तो अभी जो भी अगर बीच में कुछ होगा रिकॉर्ड करने लायक तो मैं रिकॉर्ड करके दिखाऊंगा। बाकी आप अगर दर्शन करोगे तो मैं आपको दर्शन करवा देता हूँ। पहुंच गए करण हम बनिहाल। दिखा दे, दिखा दो, देखो जी। We'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon. ट्रेन के अंदर बैठ चुके हैं, अभी टनल चल रही है, इसका शायद साउंड नहीं आ रहा होगा। लिटरली बताऊँ ट्रेन की मेरे को ना मतलब हाइजीनिक नहीं है बिल्कुल भी, बहुत गंदगी है, बहुत गंदगी, मतलब यहाँ पे मिट्टी मिट्टी है पूरा। बस बढ़िया भाई, मौज आ रही है, मजा आ रहा है, एंजॉयमेंट। Storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. Guys, हम लोग कहाँ आ गए हैं? गुलमर्ग। It's snowfall. Through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go. गाइस हम गुलमर्ग में हैं, अभी हम क्या पी रहे हैं? कश्मीरी कहवा। कश्मीरी कहवा। इसके फायदे बता दीजिए सर थोड़े से। ये गला वाला साफ रहते हैं, चेस के लिए बहुत अच्छी होती है, नज़ला जुकाम खत्म करती है, गर्म रहता है, अच्छा के लिए बहुत अच्छी होती है। इसमें क्या क्या होता है लगभग? इसमें केसर होता है, दालचीनी होती है, इलायची होती है, अखरोट होती है, बादाम होती है। अच्छा।
तो गाइस कैसा मजा आ रहा है? बहुत भाई, जबरदस्त, जन्नत है जन्नत भाई। गुलमर्ग आओ, जन्नत ही जन्नत कसम से। क्या हो गया यहाँ भाई? देखो भाई, ये एम्बुलेंस जा रही है, शायद किसी को कोई दिक्कत हुई होगी। तो भाई जिनको हार्ट वार्ट की दिक्कत है या ऐसी कोई प्रॉब्लम है ना, तो वो लोग यहाँ पे ना आए, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन का थोड़ा सा दिक्कत रहती है ऐसे लोगों को, है कि नहीं? तो भाई ऐसे लोग यहाँ पे ना आए तो ज़्यादा अच्छा है। और बाकी भाई बहुत ठंड है यहाँ पे, इस टाइम टेम्परेचर 6 डिग्री के आसपास है। ये व्यू था, पार्टी हो रही है। कल हम गुलमर्ग होके आ गए और वहाँ का मैं डाल भी नहीं पाया कुछ भी, मैं चार्जर ले जाना भूल गया था। और ये हाउस बोट है अपनी और कुछ नहीं। आज डल लेक जाएंगे और डल लेक घूमेंगे पूरा, अभी क्लिप्स होंगे वो मैं इसमें डाल दूंगा, आप एक बार चेक कर लेना। हेलो गाइस, हम लोग निकल गए हैं शिकारा पे। कैसा मजा आ रहा है? पानी कितना गहरा आ रहा? 15 फुट होता है। 15 फुट? 15 फुट तो बहुत होता है भाई। और बाकी इसमें मछलियाँ वगैरह? मछलियाँ भी बता रही हैं, मछलियाँ वगैरह भी है भाई इसमें, मछली वगैरह भी आपको मिलेगी। बाकी आपको शॉट दिखाता हूँ। अपना शॉप खोल रखी है, अच्छे हैं। कितना देख लो, पसंद कर लो। वो वाली बोट कितने की है? कौन सी वाली सर जी? पहले पे जो है, यही ये 180 हैंडमेड है सर जी, अखरोट की लकड़ी का। ये है इनकी, ये कितना है? कौन सा? ये वाला? ये पड़ेगा 350 का। 350? ये कितना? ये 550। ये वाला? ये 350। दोनों 350 है। देख वो वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है। ये इनका 350। गोल्डन लेक क्या? हाँ जी, ओके। अच्छा, ओके। खोल के बंद करके दिखाना। अच्छा, ऐसे बंद हो जाता है और खोलने पे? ओके। कितने का है ये? पड़ेगा 1250। ऐसे रेट जो बोल रहा हूँ ना, वाजिब बोल रहा हूँ। नहीं देखो, आपकी मेहनत का रेट तो है। वैसे भाई हम बैठे कहाँ हैं? भाई हम बैठे चौकड़ी में, रजाई में। रजाई में? रजाई की चौकड़ी। चौकड़ी लेते हैं। श्रीनगर हो रहा ना भाई, दुख तो हो रहा है, पर घर की भी बहुत ज्यादा याद आ रही है, तो इसलिए हमें घर तो जाना जरूरी है। यहाँ की चीज ही अलग है। और भाई जो हमारे साथ भाई आए हैं, भाई उन्होंने जन्नत फील कराई है भाई। ऐसे ऐसे शॉट लिए हैं और ऐसी ऐसी वीडियो बनाई है भाई, जन्नत समझ लो, जन्नत काम धर के। भाई साहब नंबर डाल देंगे नीचे, कोई भी फोटोशूट वीडियो क्रिएटिविटी सब के लिए कॉन्टेक्ट करें। ओए हो सर, और भाई वैल्यू फॉर मनी, मजा ही यार। पॉकेट फ्रेंड, अरे एक भाई हमें डोरेमोन जैसे भाई मिले भाई, उनने तो मजा ही बांध दिया। जिनकी हाउस बोट में रुके हुए हैं, जिनकी हाउस बोट में रुके हुए हैं, वो पता कैसे बात करते हैं? क्यों घूमिए? अच्छा है, बहुत अच्छा है। अरे काहे को 500 देखते हैं, आ जाओ भाई। खाना भी बहुत भाई कसम से, वैसे ये भाई जो खाने के, तो तुम एक चीज बताओ, चलो हम जो बोट में रुको उसका पैकेज बता दो एक बार। पैकेज है भाई 12,000 रुपये। उसमें 3 दिन 3 रात, तीनों दिन तीनों रातों का खाना, सुबह दोपहर शाम। और भाई गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग,
ये अपनी गाड़ी से करवाएंगे, आपको कुछ नहीं करना और पूरा शिकारा देंगे एक दिन के लिए, पूरी डल लेक एक्सप्लोर करने के लिए। तो एकदम बेस्ट पैकेज है, वरना आप अगर अपनी तरफ से करोगे ना तो 20,000 इससे ज्यादा खर्च कर दोगे और मतलब हेडिक हो जाएगी बहुत। हाँ। इधर से उधर भाई 20 तो आराम से हो जाएंगे। तो यहाँ पैकेज ले लो, क्योंकि अगर तुम एक अगर शिकारा पे भी निकलोगे तो 500-700 रुपए तो ले लेगा, और वो भी उसने 12,000 में तीन बंदों का दिया है खाना पीना सब। और खाना ऐसा आ रहा भाई, मतलब ऐसा नहीं है कि टेम्परेली चलो ठीक है पैसे मिल गए अब ऐसे ही दे दो, तो पैकेज अच्छा लगा भाई। भाई खाना ये है कि बाहर का ना है घर का खाना है, यू सबसे बेस्ट है। तो इनका ना आपको हम वो दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, भैया की साइट भी है, वेबसाइट भी है, इनकी वेबसाइट डाल देंगे। और इनका जो है अगर आपको आना है, जो भी आ रहे हैं अच्छा खासा डिस्काउंट भी शायद वो दे देंगे, बहुत अच्छी सर्विस दे रहे हैं भाई, नाम फैल चुका है यहाँ। बस बस तो गाइस बता दूं यहाँ पे इस टाइम लाइट नहीं है, ये 8 से 10 बजे तक के 2 घंटे ऐसे रहते हैं जो बिना लाइट के, 2 घंटे लाइट जाती है। तो इन्वर्टर भी बहुत ज्यादा, क्योंकि बहुत सारे रूम में सब में वो है टूरिस्ट। तरक्की भाई तरक्की खेल लें, भाई हाथ लाल हो जाते हैं तरक्की में भाई। मैं तो इनसे कह रहा हूं थोड़ा बाहर घूम लेते हैं हम भाई, मैं तो इनसे कह रहा हूं तुम्हारे साथी के बाल देख रहे हैं टाइम पे, भाई साथी के बाल देख रहे हैं भाई, मैं तो तुम्हारे साथी के नहीं भाई मर्द हूं भाई मैं तो। तो खाना आ गया है, इन लोगों ने अभी खाना दिया है, घर का खाना यहाँ पे आता है इस पैकेज के अंदर। एक तो आप ये देख लो, ये हाउस बोट है, ये पूरा हाउस बोट है जिसमें हम रुके हुए हैं। आ गया भाई पनीर, आज क्या है पनीर, पनीर भाई आ जाए पनीर देखो। और नितिन भाई लग गए अपने खाने पीने में, ये खाना आया यहाँ पे, ये है पनीर, ये दाल है तड़का मार के एकदम, उसमें क्या है इसमें राइस और रोटी आई हैं सबके, 5-5 रोटी आ गई हैं। तो ये लंच दे देते हैं, ये प्लेट्स वगैरह दे देते हैं, सब आ जाता है। ये है गाइस खाने का, गाइस लास्ट जो है खाना हो गया है, नाउ वी आर पैकिंग अप, लास्ट डे ख़त्म होने वाला, सारी पैकिंग करनी है, सब जितने भी थे कपड़े वपड़े वो सब रखे जाएंगे, गंदे अलग, जो यूज्ड नहीं थे वो अलग। कल तो अर्ली इन द मॉर्निंग निकलना है, क्या टाइमिंग है? हाँ वही 9-10 बजे, तो अर्ली तो है नहीं, आराम से निकलेंगे। गुड मॉर्निंग गाइस, अब निकल रहे हैं हम लोग, हमने चेकआउट कर दिया है यहाँ से और अभी ऑटो में और जा रहे हैं हम अपना श्रीनगर के रेलवे स्टेशन पे। 9:20 की हमारी ट्रेन है और टाइम तो ज़्यादा निकल गया है, बट देखो अगर हमें वो ट्रेन मिलती है तो ठीक है, नहीं तो फिर हमें 10:30 वाली ट्रेन लेनी पड़ेगी, तो जो भी होगा दिखाएंगे। तो गाइस हम आ गए हैं श्रीनगर रेलवे स्टेशन, सही टाइम पे छोड़ दिया ऑटो वाले ने, 9:20 की ट्रेन है, 9:10 हो रहे हैं इस टाइम। तो गाइस ट्रेन मिल गई है, श्रीनगर से निकल चुके हैं, अभी पंपुर करके कोई वो आया, पामपुर करके कोई वो है स्टेशन, बनिहाल के लिए निकल चुके हैं, बनिहाल पहुँच के फिर आपको बताते हैं, अभी कुछ खाया भी नहीं है, वहीं पहुँच के खाएंगे। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow. Sun rays and I... Hey.
हेलो गाइस, आवाज़ थोड़ी सी कम आ रही होगी। हाईवे के बीच में है और यहाँ भाई जो है अपनी गाड़ी वॉश करवा रहे हैं। गाड़ी वॉश हो रही है तो हम यहीं पे रुके हुए हैं। बाकी ज़्यादा रास्ता नहीं रह गया, थोड़ा सा रास्ता रह गया हमें, कुछ खाया पिया भी नहीं है। कैसा लग रहा पार्टी जी? बहुत अच्छा लग रहा है भाई। ये बताओ ड्राइवर कैसे खींच के लाया गाड़ी? अरे ड्राइवर ने तो पता ही नहीं है भाई, ट्रक नहीं बनाती, ट्रक नहीं भाई, की दौड़ बना दिया उसका गाड़ी का, कसम से ऐसे पकाई है। 2 hours later तो भाई हम लोग आ गए हैं जम्मू। पूरे दिन चल चल के कम से कम 7-8 घंटे का सफ़र भाई, बहुत बड़ा ड्राइवर रहा। 10 बजे की ट्रेन है, 7 बजे हैं अभी, 2-3 घंटे हैं, तो खाना वाना खा ले। कुंची का ढाबा रहना भाई, यहाँ पे बेस्ट ढाबा है, आप यहाँ पे आओ और खा के देखो। बाकी हम अभी दिखाते हैं आपको खाना आने वाला हमारा आइडिया के भाई। खाने में आया हमारे पास कढ़ाई पनीर है, ये रायता, एक रायता घेरा और एक दाल मखनी, रोटियाँ, नान अपनी, सलाद, खाना वाना। लाइटिंग कम है, खाना वाना हो गया है। और ये था ढाबा, ये वाला ढाबा था। और भी हमने लिए ये कुल्फी, नितिन भाई कुल्फी लेके बैठे हैं, तीनों ने कुल्फी ली है। क्या लिया था? रबड़ी, रबड़ी कुल्फी ली है तीनों ने। बढ़िया, हमने ट्रेन पकड़ ली है हमारी, मतलब ये खड़ी हुई थी प्लेटफॉर्म पे, तो हमने सामान वगैरह सब सेट कर दिया है। गाइस सीट मिल गई है तो अपने नितिन भाई यहाँ पे लेटे हुए हैं, ठीक है, और हम यहाँ पे लेटे हैं। और करण जो है वो 48 में, भाई भाई दिखेगा नहीं 48 भाई, आप भी आओगे ब्लॉग में? आ जाओ भाई। गुड मॉर्निंग गाइस, हम जग गए हैं और दिल्ली आ गया है, बस अगला स्टेशन दिल्ली है, उतरने के लिए बिल्कुल रेडी। उतर के आपको दिखाते हैं। आ गए भाटी जी, आ गए भैया।